नमस्कारम, आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गणेश जी बुद्धि के एक बहुत ही ऊंचे स्तर के प्रतीक हैं। उनमें ऐसी बुद्धि है जो सभी बाधाओं को तोड़ सकती है और तभी वे विघ्नेश्वर हैं। इस अस्तित्व में जीने का सबसे बुद्धिमान तरीका यही है, हर चीज के साथ एक होना, एकत्व और योग में होना। योग में जीना इसका मतलब ही ये है कि सबसे ऊंची बुद्धि वही है जब बुद्धि का इस्तेमाल दुनिया से अलग होने के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के साथ एक होने के लिए किया जाए। आप सभी को ये गणेश चतुर्थी हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखकर मनानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं। गणेश जी के नाम पर ऐसे ना समझी करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी इस धरती के पर्यावरण के खिलाफ होना यही हमारी सबसे बड़ी नासमझी है। तो परंपरा यही है कि हम बिना तपी हुई गीली मिट्टी या बाजरे या चावल के आटे से गणेश जी की एक मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं, पर एक सप्ताह, एक पखवाड़े या एक महीने और थोड़े और समय बाद हम उस मूर्ति को ले जाकर किसी झील, समुद्र या नदी में विसर्जित कर देते हैं और भगवान घुल जाते हैं। हम एक भगवान बनाते हैं और उनके आसपास उत्सव करते हैं। वे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से और हमारी हर चीज का आधार बन जाते हैं। हमारा भोजन, हमारी पसंद, सब कुछ उन्हीं के बारे में होता है, पर उसके बाद जब समय आता है हम उन्हें पानी में विसर्जित कर देते हैं और उन्हें घोल देते हैं। ये इकलौती ऐसी संस्कृति है जो आज भी जागरूक है कि भगवान हमने बनाए हैं। तो आप सभी लोग जो इस विधान को करते हैं, जो देवता का आवाहन करके उनके साथ रहते हैं और उनका आशीर्वाद पाकर उन्हें विसर्जित कर देते हैं, मेरी कामना है कि आप सब इसे पूरी भागीदारी, उत्सव की भावना और भक्ति के साथ करें।